आसमान तक तालियां दोनों हाथ उठाकर बोले, बाबा गाजी दास की, वीर नारायण की वीर भूमि, गुरु घासीदास की वाणी है, सुंदर लाल शर्मा के अंतस्थ में महानदी का पानी है, खूब चंद बघेल का सपना, चंदूलाल चंद्राकर, जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर, ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़िया की थाथी है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की, लोक कला काए, लोक कला मतलब सुआ गीत, ददरिया गीत, राउत नाचा, ये सब लोक गीत। हाँ, स्टेज पे ले आओ, मैं खाली बैठा हूँ, जिनके बच्चे घूमते यही लाओ, आज मैं 10-20 बच्चे इकट्ठे करके ले जाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे बोलते रहेंगे, मैं बच्चे इकट्ठा करूंगा। हाँ, देखो मैं बोला और बच्चा पहुंच गया, अपना ही बच्चा ले जाए। बच्चे को आसानी से मत दीजिए, 90 के बाद बच्चे पैदा नहीं हुए, डायरेक्ट बाप पैदा हुए। बच्चे को हल्के में मत लेना, बच्चा भी का है। हर बच्चा अपने बाप से एक सवाल करता है, सबसे करता है, आप लोगों से भी किया होगा, पापा मैं कैसे आया, और उसका बाप एक ही जवाब देता है, बेटा मैं कुंभ के मेले में गया था, तू मेरे को मिल गया, मैं ले आया। लेकिन बच्चा 21वीं सदी का, वो तो बिल्कुल नीचे तक जाना चाहता है, बोले और हमारे और आप कैसे आए, बोले और राजीव कुंभ में गए थे तो मेरे तेरे दादा ले आए मेरे को। अच्छा, मतलब हमारे खानदान में बच्चा पैदा करने की किसी की ताकत नहीं, इधर उधर से ले आते हैं। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए, समय बदल गया। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की, तीजन और हबीब भाई ने सात समुंदर पूजा की। क्या है लोक कला, सबके लौठी रिंगी चिंगी, मोर लौठी कुसुआ रे, जी कुदर के डोकी लाने वो लेंगे मुसुआ रे। ये है रायपुर, ये छत्तीसगढ़ की कला। ये पार नदिया, वो पार नदिया, बीच में बंगाला रे, आज स्तंदिन के लड़का हो गए ठोक दो दंगाला रे। पिता तो कविता पढ़ रहे हैं, माता का पता नहीं। लगे रहा तुम मेरे बहुत कम हो। आज के इस आयोजन में मेरे प्रिय मित्र, मेरा जघन्य मित्र भाई मनोज भंडारी, जिसने मुझे कहा मैं आपसे पहले एक बार शेयर कर लूं, ये कविता तो चलती रहेगी। मैं आज की रात बहुत थकान में आपके बीच कविता पढ़ रहा हूं, हालांकि आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं, सब चीज को छुपा लेते हैं। दर्द को पीना आता है, जमाने को हंसाना आता है, लोग मुस्कुराते रह जाते हैं, हमें छुप छुप कर रोना आता है। 16 तारीख को रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में मैंने डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ कविता की जुगलबंदी की, और 2:30 बजे रात को मैं कार से 600 किलोमीटर दूर सिंगरौली गया कल, और फिर सुबेरे 3 बजे मैं फिर सिंगरौली से निकला और 600 किलोमीटर चल के अभी आपके सामने मैं खड़ा हूँ, आपको हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, अरे रुलाने के लिए। तो आपके रिश्तेदारी बनी थी, हंसाना बड़ा पवित्र काम है। ओशो कहते हैं कि जब आप किसी को हंसाते हैं, जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की पूजा करते हैं, और किसी को हंसाते हैं ईश्वर आपके लिए पूजा करता है। आइए भाई, आप कितने समय गए यही पता नहीं चला मेरे, व्यस्त रहता है आदमी, पता ही नहीं चलता। छत्तीसगढ़ के कॉन्फिडेंस तगड़ा है, छत्तीसगढ़िया आदमी से पूछबे कैसे रे समारोह बने बने, ऑल राइट भैया रे, वो ऑल राइट दादा, वो 4 साल पहले ऑल राइट हो गए। अच्छा, छत्तीसगढ़ की लड़की जब शादी होके आती है और प्रथम रात्रि को अपने पति के तमाम पावर पॉइंट उड़ा देती है, राशि मत खाए करो जी, एकर से कैंसर होते, बियर मत पिए करो जी, एकर ले कैंसर होते,
है श्रीवास्तव जी संग मत घूमे करो, जुआ चिट्टी खेलते क्या करोगे, इन्हीं लोगों से काम चलाना पड़ेगा। और छह महीना बाद क्या बोलते, कुछ कही लो फिर आप अब पहली जैसे नहीं हो, तो सबो पॉइंट उड़ा दे तो पहली जैसे किसे पता नहीं रही। कोकर शादी ला कतका दिन हुए है जानना है तो बहुत ओकर आसान तरीका है। जेकर नवा नवा शादी हुए है ओकर बेडरूम में चमकीला पर्दा अंग्रेजी के सीडी, मतलब टाइटेनिक के अंग्रेजी के सीडी और एक से एक दूध के गिलास बसंत कुसमा कर रस, और शादी 5 साल हो गए तो पेन बॉम हैं, बाबा रामदेव के योगा योगासन के पुस्तक, गीता के गुटका, रामायण के चौपाई, तो समझ लेकर बिहार 20 साल हो गए। हम छत्तीसगढ़िया के ऑब्जर्वेशन तगड़ा है। मैं आपने बता था मैं बेंगलोर एयरपोर्ट में बैठे रहे, इसे टूरी बैठे रहे, मैं टूरी का या लेडीज का एक ही मतलब है, उसी बैठे थी मैं बैठे रहा हूँ, मैं बोला देखत रहा हूँ छत्तीसगढ़िया आदमी के तो कामे है देखना, ऊपर से ज्यादा बेचारा कुछ कर नहीं सके, ऊपर कैपेसिटी चुप के है, तो मैं देखत रहे लगे लग कहाँ देखे, कहाँ देखे, बिलासपुर में देखे, रायपुर में देखे, कोरबा, अभी ये तो मल्लिका शरावती पूरा कपड़ा पहरे पहली बार देखे तो पहचान नहीं सके। वही मोर मेरा नहीं सर आपके कहा से डू यू नो मी मेक इट डजंट नो हु आर यू इज आई एम मल्लिका शेरावत आइटम गर्ल एंड यू आर मैं कस्टोरन दुबे आइटम बॉय। अपन कैपेसिटी अपन पास है, अपन कैपेसिटी अपन पास है, छत्तीसगढ़िया आदमी ला कोनो नहीं पा सके। अभी का है छत्तीसगढ़ के जिन आदमी है ना आंखी उठा के नहीं आखिर नवा के बात कर, जिन मन रायपुर गे रही वही कवि सम्मेलन सुने बार या जैन न्यूज 24 में लाइव देखी वही तेन मन उकर मन से मैं क्षमा चाहता हूँ। ये कविता ना मैं परसों पढ़े हूँ कुमार के साथ रायपुर पुलिस ग्राउंड में, लेकिन आप मोर ऐसा प्री श्रोताओ, बिलासपुर से मोर गहरा संबंध है, बिलासपुर एक ऐसा जगह है जहाँ मोर ससुराल है, मोर बेटी का ससुराल है, मोर बेटा का ससुराल है, मतलब खानदानी वसीयत लिखा है बिलासपुर, समझे ना, ये सब यही का खपाई नहीं ना हमारे घर के माल मन यही खपते। मैं बताए दुबई में, मैं माइक के कसम खाक बोला था, दुबई में कवि सम्मेलन करेल गए रहा तो ग्रैंड दुबई होटल के सामने में हम खड़े रहन थे टूरी इस कार में डायरेक्ट मोर मिरर, वो चार कवि रही ने ओकर डर पास नहीं गई डायरेक्ट मोर मिरर है, और वहां के कहा थे यू आर माय लव है, एक बात नहीं सीरियसली बोले माइक की कसम खा के, यू आर माय लव आप मेरे प्यार हैं, आई बिलोंग टू अफ्रीका मैं अफ्रीका में रहती हूँ आप कहाँ रहते हैं, मैं सब समझ गया टूरी धोखा खा गया, कलर के आधार में मोर मिरर आए हो, मैं कहे हूँ साले कुंडली मिला के तो बहुत देखे रहे हैं, कलर मिला के पहली बार देख रहे हैं, बड़ा अजीब स्थिति है छत्तीसगढ़ी। अभी जब कोरोना चली मैं छत्तीसगढ़ के माता के आशीर्वाद है कि मैं छत्तीसगढ़ के सबसे व्यस्त कवि हूँ, और देश विदेश में मोर काव्य पाठ होत रही इस कोरोना के पहले, कोरोना में हमर मन के धंधा गलो बंद हो गए रही थे, कोनो नहीं सुनत रही से बाई तो कभू नहीं सुनी ओकर बर तो कविता दू कौड़ी के हमर आदमी दू कौड़ी के हम ओकर बर तो कविता तो दूर के बात है, काबर आप कब को बड़े साहब हो जाओ क्या स्वदेशी मेला के बड़े संयोजक अध्यक्ष बन जाओ, आप बड़े कुर्सी में बैठ जाओ मंत्री बन जाओ, फिर सबो आदमी के घर में एक ही इज्जत है, घर में खुशरी और बाई पहला डायलॉग चिपका थे आप में अकल नहीं है और मुड़ी हटाते हो होती तो संग बिहाव काबर करते, तो कोरोना में मोर भाई मोर डहर देख के बोला है, अब क्या मैं महीना में 15 दिन बाहर रहा हूं तो मार शॉपिंग करे के माल घूमे के रेस्टोरेंट जाए के बढ़िया मौका मिले, कार घलो खाली घर घलो खाली और जत्कर नोट रखे तेलोर कर ले खाली, तो बड़ा खुश रहा है वो, अब कोरोना लग गया अब मैं घर में रह गया, तो मोरे नहर देख के बोलते
ये रोखा कोरोना कब जाही। तो मैं कहते कोरोना कहा था कि मोला कहा था। आंखी उठा के नहीं, आंखी नवा के बात कर, काबर छत्तीसगढ़ के आदमी हमें एक नंबर, छत्तीसगढ़ के आदमी हमें एक नंबर। कोनो जवान चुरी के एक्टिवा मोपेड प्रेजर सड़क में बिगड़ जाते तो लड़ाट कर मन तेजी धर के आ जाते। मैं आई हेल्प यू मैडम, ओकर बाद अंग्रेजी खत्म, एक नहीं जानते हुए मैं आई हेल्प यू मैडम। काक काक के ओकर गाड़ी चलाही, बनाही, किक मारही, स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट हुई, टूरी गाड़ी धर के चल दीस अपन घर। टूरा सड़क में करे खड़े है, इंतजार करत है दूसर टूरी बर, एकर सती छत्तीसगढ़ के आदमी, छत्तीसगढ़ के आदमी एक नंबर, एकर सती एक नंबर है। ते मोर भैंसी गोबर कैसे उठाए है, तो मोर भैंसी गोबर कैसे उठाए, ना भैंसी पूछे ना मोला बता। बाबू गोबर हमार छत्तीसगढ़ में बहुत कीमती है, ये बोहा सकत है फिर कोनो उठा नहीं सकत। अभी रिपोर्ट करूं तो हो जबे अंदर, काबर छत्तीसगढ़ के आदमी कैसे। भौजी एकदम चिक्कन दिखा सर, भारी मोटा है हर। अरे बहुत पैसा आ गया बाबू, धान लबो दे पैसा आना चालू, धुआंधार पैसा आते दान, निदाय नहीं है, लोआय नहीं है, ओसाय नहीं है, मिजाय नहीं है, बिकाय नहीं है, तब वो पैसा आता। अब तो मैं एकदम बढ़िया रानी बरोबर रही था, सब चीज पर नौकर रखे, बर्तन मांजे पर नौकर, डस्टिंग बर नौकर, कपड़ा धोए बर नौकर, आउत आउत और बाबा बीमार है मर ही ना, तो कर रोए बर घरों में इवेंट वाले ने बुक करे। इवेंट वाले मन गजब के रोते सच में एकदम ओरिजिनल। अभी दो साल उनका काम बंद रही थे तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस उनका बढ़िया हो गया, रो रो के अभ्यास हो गया उनका। और वो ना बहुत बढ़िया रोते, और तो मैं बता था कहीं मोर सास बढ़ी ना, यही इवेंट वाले बोला हूँ गा गा के रोते, गा गा के। आज के दिन तोर दादा होती बेटा, आज के दिन तोर बाबा होती बेटा, अपन दुख ला मैं रो डार देव ना, जैसे मरार के गोभी फूले बेटा, तैसे तोर दादा ला टोपी खुले। गा गा के रोते, अगर परफॉर्मेंस गजब के एकदम विजुअल, ऐसा लगता जैसे इमोशनल एकदम रो डाल देती से। आज के दिन तोर बाबा होतीस बेटा, अपन दुख ल मैं रो डालते ना, जैसे मरार के मिर्चा फूले बेटा, तैसे तो बदल मेछा फूले। गा गा के रोते। अच्छा भौजी वो खाना बना बन नहीं रखे ऐसे नौकर? नहीं नहीं, खाना बनाने में नो एंट्री, मटमुल टूरी बनाते हैं, टेस्टी पराठा बनाते, पराठा ला मालकिन धरा देते, और तोर जैसे तवाला धर के घलो हो जथे छू मंतर, एकर से ती छत्तीसगढ़ के आदमी होते, छत्तीसगढ़ के आदमी। मन भौजी पूछी सब बिटान, कैसे बिटान कैसे लगी सर तोर नवा भौजी? अब हवे बढ़िया भैया, अच्छा है, और का अच्छा चाल ढाले सारे सब, आजकल ब्यूटी पार्लर की कमाल है बढ़िया, लेकिन छोड़कर एक आंखी छोटे बड़े है, अपर डीपर है, लेकिन टेंशन से कोनो बात नहीं है, अच्छा है। और जयमालम बैठे रही से ना, तो ऐसे लगा रही जैसे धान के बोरा मारे है, अच्छा मोट है, लेकिन टेंशन के कोनो बात नहीं। मोला कहा था इसे दा 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 देवर बाबू का सुंदर दिखत है, मतलब ओकर साइलेंसर में कचरा है, लेकिन टेंशन के कोई बात नहीं। अरे कैसे टेंशन के बात नहीं है, मरा सांप ने मोर गलन लटका दे, टेंशन नहीं नहीं मितान। लेकिन जेन तोर साड़ी बिहार के मंडप मा करत रही से बाहिर अंदर बाहिर अंदर बाहिर अंदर, वो हवे तुमन कैसे जाने सबो लरहा एक नंबर। किस ठीक है, मैं जाऊंगा अपन सास में रह, मोर सास यानी कि जिंदा ललित ललिता पवार जाग बोलीस कैसे आए मरा सांप ने मोर टोटा मटका दे। जब तोर घर मा रस मलाई रही से सादे, तो मोला दही बड़ा काबर पकड़ा है। अभी ठीक हो जही दूसरा सिकंदर, काबर छत्तीसगढ़ के आदमी एक नंबर। लेकिन एक बात कहा था, जीन पहने है चड्डी खाली, ओरी बस सिंगल वस्त्र एक चड्डी, कौन जीन। पाकिस्तान पहने है खाली बनियान, सिंगल वस्त्र एक बनियान, और दोनों के टारगेट है हिंदुस्तान।
दोनों के टारगेट हिंदुस्तान, ये दोनों साधु भाई। अरे चीन कुकुर, पाकिस्तान खरू कुकुर, और दोनों भारत दार देखा थे टुकुर टुकुर। दे देखे ये बात में दम है, फिर खंबा कुकुर गोड़ मत उठावे, नीचे बम है। और मैं क्या कर रहा हूं, देशभक्ति के शॉर्टकट खोजे, दूठन कुत्ता पाले, एक के नाव चीन, एक के नाव पाकिस्तान, दोनों बिहनिया मंझनिया संझा लात मारथ तीन बार ससन भर, हमर देश भक्ति हो गए, एकर सेठी छत्तीसगढ़ के आदमी होते एक नंबर। लेकिन एक बात मैं कहा था, छत्तीसगढ़ के माया दया कोनो सगा थे, हम अपन कलेजा फाड़ के, कलेजा काट के प्लेट में सजा के देते, भलाई मत खाए वो, मगर बेंद्रक कलेजा थोड़े खाई मत खा, लेकिन छत्तीसगढ़ के आदमी होते एक नंबर। छत्तीसगढ़ के ठेठरी खुरमी बरी बिजोरी फराज चीला चौसेला जिमी गंगा मुनगा एक नंबर। छत्तीसगढ़ के सुरेंद्र दुबे नहीं, छत्तीसगढ़ के सुरेंद्र दुबे एक नंबर नहीं है, काबर सुरेंद्र दुबे कोनो कवि के नाम नो है, ये छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के प्यारे जेकर नाम है सुरेंद्र दुबे। आवाज में ऐलानिया ऐलान करा था, और स्वदेशी स्वदेशी मेला के बड़े बहुत अच्छा बुद्धिजीवी मन के आगू मैं ऐलान करा था, जनता जनार्दन भर के मोर जियत ले और मोर मरे के बाद भलो, छत्तीसगढ़ के जनता रही एक नंबर। छत्तीसगढ़ काबर एक नंबर रही छत्तीसगढ़ की जनता, सही जवाब दे नहीं, कहां जाता कहू नहीं, काबर जाता पता नहीं है, भैंसी तोड़ नहीं तोर भाई बने हैं, कोनो सियान लगता छेड़ तो दे, बाबा बने बने हाँ बने बने, दूसरा दिन बाबा बने बने हाँ तोर दाई बने बने हैं, सियान आदमी ने कभी मत छेड़ बे, वो एक्सपायरी डेट के दवाई है, फट ले रिएक्शन करते, सियान आदमी हल्का मत ले बे, और सबो सियान के एक बाद जनरेशन के बाबू छोड़कर मोर बात वो सुनते रहे, नहीं आप फिर जात छोड़कर मोर बात बात का है। हमर जमाना मा ये प्रताप चौक में ना 4 आना फुट जमीन रही तो लेते नहीं बे 200-400 एकड़। हमर जमाना में 1 रुपया धर के गोल बाजार जान और 2 बोरा सामान लेके आन लानत रहो, वो जमाना में दुकान मन में सीसीटीवी कैमरा नहीं रही से, तुम 4 बोरा ला सकत रहे हो, मका दिक्कत है, सियान आदमी का टक्कर करना बहुत कठिन है, सियान है दुआरी में सूते है, ओकर बहू आई बाबा चाय पीबे आहा, बाबा पानी पीबे आहा, नहीं लगे जाते काम बूता कर ओढ़ा हटा, जल्दी बहू 2 घंटा बाद ओकर बेटा ही बाबा कोनो चाय पानी पर पूछी, कौन पूछी बेटा कौन पूछी, कुकुर बरोबर बंधाए हो, तोर दाई जियत रही से तो कोहड़ा फोकला चना दाल रांध रांध के खवाए, कौन पूछी बेटा कौन पूछी, सियान मतलब टेकल करना बहुत कठिन है। और सियान के उपयोग का है बिहार में संधि भेंट में सियान का सबसे आगू करते, बड़ा पगड़ी बांध के, ये हमार माई मूर का सियान है संधि जी, एकर से आप संधि भेंट करो, संधि भेंट करी तहां बरात अंदर खुसर के डोकरा वही मेरन मारे है, मोला कोनो जनवासा पहुंचा दो भैया, मोला 2 नंबर जाना बहुत जरूरी है, कोनो नहीं पूछा। लेकिन एक बात याद रखो, जिस घर में छत दरो दीवार से कोई घर घर नहीं होता, जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते वो घर कभी घर नहीं होता, जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते वो घर कभी घर नहीं होता। अरे सियान तरिया के पीपल है, सियान तरिया के पीपल है, सियान आंगन के तुलसी है, सियान कोयल है, गौरैया है, मैना है, ऐसे सियान लड़का मन के खिलौना है, सियान गीता के श्लोक है, मानस के चौपाई है, कुरान के आयत है, वेद के ऋचा है, सियान जिंदगी के आचार संहिता है, सियान होली है, सियान दिवाली है, सियान तिहार है, और सियान नहीं है यार तो सब तिहार बेकार है। एकर से आज के रात एक काम करत हूँ, स्वदेशी मेला में जिन जतका जम्मू सियान है बोला मैं सुरेंद्र दुबे प्रणाम करत हूँ। हमन हास्य कवि में दुर्ग अस्पताल में डॉक्टर रहे हूँ, और हालांकि मैं बहुत बढ़िया डॉक्टर भी नहीं रही, काबर मोर जतका मरीज की इलाज करे हूँ उमन अभी तक मोला गाड़ी देवत है,
काबर खांसी वाले बुखार के वो बुखार वाले पैर टूटे के दवाई देना मोर आम आदत रही से। दूसर दुनिया में रहा मैं कविता के दुनिया में रहा। मोर पिताजी बोला सेना में भेजना चाहते थे और मैं कवि आदमी पिताजी भेज दीजिए। तो मोर पिताजी के नाम रही से स्वर्गीय गर्जन सिंह दुबे। ऐसे लगे जैसे पाकिस्तान के खिलाफ को बम है वो खुदे भेज दी। जाँच करे बरो आंखिक जाँच करत रहे डॉक्टर है सामने में कैलेंडर में कौन सी तारीख है। मैं कह कौन सा कैलेंडर किस वो जो दीवार में टंगा है। मैं कह कौन सी दीवार इसे तो पूरा सूरदास ते सेना में नहीं जा सका। ते जा मस्त रहा लोग मल्ला हंसा मुस्कुराही खुश रही तो तोला आशीष दी। टेंशन देवर बहुत धन है एक जन मुंह उतार के बैठे रहे काबर मुंह उतार के खड़े हैं। वाह एक दिन ये दुनिया खत्म हो जी एक दिन सब मर जी तो देखा पर टेंशन में नहीं। मोला टेंशन ये है यार जिन सबसे आखिरी मरी तेरा कौन ले जाए अब क्या कर तो उनका टेंशन की तय का इलाज कर सकता। टेंशन तो कहीं से मिला सकत जिनने टेंशन लेना है तय करके बैठे मोला टेंशन लेना है तो टेंशन ली। लेकिन जिन हंसी हंसना जीवन की सबसे बड़ी इबादत है। ईश्वर उनको पसंद करता है जो हंसते हैं मुस्कुराते हैं खुश रहते हैं। रोने वाले को भगवान भी पसंद नहीं करता। भगवान कृष्ण की जितनी भी रासलीलाएं हैं आप देखिए किसी भी रासलीला में गोपियां या भगवान कृष्ण रोए नहीं है। मैं तो निर्धार करता है इसे कोनो करे हैं रोलो के सब गोपियों ने जो नृत्य किया जो रास किया जो महारास किया उस सब में हंसी मुस्कुराहट आस्था प्यार कृष्ण यही बांटी है। ये आपके जिसको प्यार बांटेंगे वो आपको लौटाएगा प्यार ही बसर से आगे वाला सूरदास ना हो तब नहीं देखे रहे कुछ लोग बहुत मुश्किल है। जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। मल्लिका शेरावत 5 मिनट पर बाबा रामदेव ले मिली। मल्लिका शेरावत को तो आप जानते होंगे भाई साहब उनके नाम से आपके चेहरे में जो चमक आई है उसको मैं प्रणाम करता हूं। तो देसी मेले से जुड़े जितने लोग हैं मेरे पास उनकी लिस्ट है जिन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है। CBMD हमारे प्रबंधक सुब्रत चाकी जी मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो भी और न सुन रहे हों तो भी मेरी शुभकामनाएं उनके तक पहुंचे। संभाग संयोजक सुशील श्रीवास्तव जी जो यहाँ विराजमान हैं और जिनकी फ्रेंच कट दाढ़ी अमिताभ बच्चन के टाइप है और मुझको ऐसा लग रहा है कि स्वदेशी उत्सव में कि मल्लिका शेरावत सुंदरकांड का पाठ कर रही है। बहुत गजब का आपका लुक है भाई साहब मैं तो आपके ऊपर फिदा हुसैन हो गया। और इसके बाद संयोजक है राजू मौर्य जी वो मेरे को आलू गुंडा खिलाए हैं और फरार हो गए। मेरे को लगता है कि आलू गुंडा ही उनकी उपस्थिति थी कि दुबे जी अब मैं नहीं आऊंगा ये आलू गुंडा ही आएगा मेरी शुभकामना ले ले। और सौमित्र गुप्ता जी हैं यहाँ पर जो सह संयोजक है सह संयोजक उचित सूद जी हैं अरुणा दीक्षित जी हैं नीता श्रीवास्तव जी हैं इनके श्रम मेहनत संकल्प और निष्ठा का परिणाम है स्वदेशी मेला। इसलिए मैं एक स्वदेशी भारतीय होने के कारण एक स्वदेशी कवि होने के कारण मैं इनका अभिवादन करता हूँ हाथ जोड़कर इनका प्रणाम करता हूँ कि आपने भारत की भारतीयता को जिंदा रखने के लिए हिंदू के हिंदूवादी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए आपने जो काम किया वो जबरदस्त है। 1990 में भाई साहब मैं पहली बार अमेरिका गया बहुत दिन गुजर गए कितना हो गया 30 साल हो गए 90-30 साल हो गए साहब। हवाई जहाज में नहीं बैठा था मैं कभी देखा भी नहीं था जमीन में हवाई जहाज नहीं देखा था मैं पहली बार देखा दिल्ली एयरपोर्ट में। हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलता है हमको लगा ठक गया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी भाई परदेश का मामला इज्जत से बात करना चाहिए। मैंने कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए है सड़के सड़क में जा रहे बोले नहीं ये रनवे है थोड़ी देर बाद टेकअप हो थोड़ी देर बाद हवाई जहाज जुड़ा एक दूसरी एयर होस्टेस आई। हमने कहा काकी उसका उम्र ज्यादा था एयर इंडिया का था
हमने कहा काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं है। अब लोग हंसो, एक बार सांस लेना है, मेरे को जोरदार तालियां बजाओ। कहा भाभी जी नमस्ते, कहा जा रहे हैं? देवर की छाती में पैर रख के निकल गया, क्या करेंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है मातृशक्ति को, परिवार चलाना होता है, बच्चे देखने होते हैं। माँ से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है औरत, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बेटी भी जिला महिला विकास अधिकारी आपके बिलासपुर में रही, अभी वो मुंगेली में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला विकास विभाग में है। मैं जानता हूँ बेटियां कितने संघर्ष से। आइए भाई, आपका स्वागत करता हूँ। आप समय में आई, मैं थोड़ा पहले ही चालू हो गया, क्या करें भाई साहब, आप सह लेते हैं तो हम कह लेते हैं। बैठिए, गोद में क्यों बैठ रहे? अरे कोई भी आके पोलियो ड्राप पिला के चला जाएगा, ठीक से बैठ। आज के 25 साल पहले अगर कोई लड़की अपनी माँ से कहती थी माँ पेंट पहनो, होकर माँ बम हो जाए, अतिक बड़ हो गया है 17-18 साल के, तो पेंट पहन गए और अब पीछे माँ मैं जींस पहन ले, कुछ तो पहन ले, फैशन बदली से जमाना वैसे नहीं हो गया, समय के हिसाब से चला था। मेहनत कोई करे, फोटो किसी और का खींच रहा है। ब्राह्मणों का शोषण आदिकाल से हो रहा है। आप कहानी का कोई भी किताब उठाइए, कहानी यहीं से चालू होती है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। सारा दुनिया में कोई गांव नहीं जहां अमीर ब्राह्मण हो, सभी जगह गरीब ब्राह्मण है। अच्छा, पहली गार इसे सतयुग रही से, तो लोगों ने पहली बामा ला खवाए, ओकर बाद खाए। अब कलयुग आ गया, लोग बामा ला देखा देखा के खावत। आप कुछ मत करो, एक बामा ला अपन घर बुलाओ, ओकर आगू में बैठ के नॉन स्टॉप 1.5 घंटा खाओ। बोला पूछो मत, वो सदमा में मर गई। और पोस्टमार्टम में भी पता नहीं चली कि ब्राह्मण मरीज का बना। बड़ी अजीब स्थिति है। आपके बीच हूँ, दुर्ग अस्पताल में डॉक्टर रहे, सब्जी खरीदे बढ़ गया। वो जमाना में चैनल नहीं रही थी, खाली DD1 रही थी, एक चैनल पूरा भारत में, वही में सब कुछ है DD1 में। ये तो बोले देखी भिंडी तोड़ तोड़ तै TV में आता था, तुम हूँ टेपर जन बरोबर हाँ हाँ कटकले थे रात भर के। हमर सामाजिक अपमान देखो, मैं सरकार में आया, मंत्रालय में मेरा OSD बना देने मन कि साहब यहीं बैठो भाषण लिखो, मैं वहीं रह गया। बंगला दे दे रही से नारायण चंदेल के बाजू में, ये AC कॉलोनी में, पूरा मोहल्ला सबो घर में कुकुर। मोर भाई कहते हम भी कुत्ता पालेंगे जी, डॉग इज स्टेटस सिंबल, कुत्ता बहुत जरूरी है। तो मैं क्या मैं पला था तेन कम है बे और कुत्ता पाल बे, किसने नहीं डॉग चाहिए कंपलसरी, यू आर नॉट कंपलसरी बट डॉग इज कंपलसरी। लेकिन साले मुर्का भी नहीं कुकुर भी गए गुजरे हूँ मैं। मैं बोरा धर के गया हूँ सड़क में, जितना कुकुर घूमत रही बांध लांग के बांध सब लांघन साले को भूखे ना। एक करिया कुकुर बीच बीच में डायल टोन दे, मैं तख्ती लगा दे कुत्तों से सावधान, काला कुत्ता खतरनाक है। तख्ती लगा के अंदर गए, एक दिन घंटी बजे इसने के कहा कहीं इसका दिक्कत होती। मैं कम से कम 150 कविता अपन सुंदरता के ऊपर लिखे, काबर हाँ तो लिखे हैं, तुमन मानो चाहे मत मानो। माधुरी दीक्षित मोर सामने शादी के प्रस्ताव रखे रही से बाई गॉड, मैं मना कर दे काबर वो समय मोर ऐश्वर्या राय संचलत रही। आजकल शहर मन में कौवा नहीं मिले,
श्राद्ध पक्ष में कौआ के कमी होते तो रायपुर के मारवाड़ी में सदर बाजार के मन कार दर दर के मोरे घर आते। चलिए हमारे पिताजी का खाइए, हमारे बाबा का खाइए। औसाले में डाइनिंग टेबल को नहीं बैठा, छत में बैठा था। भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन कर ले गया, कौआ ले गया। कौआ काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी। कौआ ले गया, कबूतर नहीं ले गया, वो तो खाली लव लेटर ही पहुंचाते रहा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया।